नमस्कार दोस्तों, द मास्टर प्रकाश क्लासेज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं TGT संस्कृत की प्रश्नोत्तरी, जिसमें आपका 125 क्वेश्चन कराया जाता है और वो 125 क्वेश्चन जो होता है वो चारों ऑप्शन का सलूशन दिया जाता है। बस आप लोग कॉपी कलम निकालिए और नोट करते चलिए, और प्रत्येक दिन प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए, जिससे जो क्वेश्चन गलत होना हो आपका यहीं हो जाए। फिर ये ना रहे कि वहाँ जाएं तो ऑप्शन ए कर दें, बी कर दें। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात आप लोग के लिए है कि जैसे जो अभी संस्कृत एक को नहीं पढ़े हों, मतलब कुछ भी ना पढ़े हों, वो देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे बनता है, और जो पढ़े हैं उनके लिए तो बढ़िया। अपना एवरेज देखिए, हम अभी कहाँ तक अभी हमको और पढ़ना है। तो बिना समय गंवाएं देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। द्विग समास किस वचन में होता है? बताएंगे भैया, एक वचन में, द्विवचन में, सी बहुवचन में, डी सभी वचनों में। तो ए का कौन सा हो जाएगा? ए, द्विग समास एक वचन में होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। प्राणी के अंगवाची शब्दों के साथ समय होने पर, समास होने पर किस वचन का प्रयोग होता है? ए एक वचन का, बी द्विवचन का, सी बहुवचन का, डी कभी द्विवचन, कभी बहुवचन। तो दूसरा का बेहतरीन जवाब ए हो जाएगा, जो प्राणी के अंगवाची शब्दों के साथ समास होने पर एक वचन होता है। नोट करते चलिए, इसको एक वचन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा समास नित्य नपुंसक लिंग में होता है? ए तत्पुरुष समास, बी बहुव्रीहि समास, सी द्वंद्व समास, डी आपका बेभाव समास। तो बताएंगे बेहतरीन जवाब आप लोग का 3 का डी हो जाएगा। अब बेभाव समास आपका नित्य नपुंसक लिंग में होता है। और एक बात सुनते चलते हैं आप लोग, जब किसी नदी का नाम हो और नदी के नाम के पहले संख्यावाची शब्द, तो वहाँ भी आपका बेभाव समास होता है। देखिए सप्तगंगम, क्या कह दिया गया? सप्तगंगम। अब इसमें कौन सा समास है पूछ लेगा, तो ये नहीं आप लगाइएगा आगे सप्त है तो इसका मतलब आपका द्विग हो जाएगा। नहीं, जब किसी नदी का नाम हो और आगे संख्यावाची हो तो वहाँ क्या होता है आपका? अव्ययीभाव समास। और देखेंगे बहुव्रीहि समास कहाँ होता है भैया? जहाँ एक भी पद प्रधान नहीं होता वहाँ अव्ययीभाव समास होता है। तत्पुरुष समास, जिसका उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास, जिसका दोनों पद प्रधान होता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। शुद्ध पद है ए द्विरात्रम, बी त्रिरात्रम, सी सर्वरात्र, डी उपयुक्त सभी। तो 4 का बेहतरीन जवाब आप लोग का 4 का डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। जो शुद्ध पद है वो द्विरात्रम भी है, त्रिरात्रम भी और सर्वरात्र है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देवतावाचक सूर्य पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? चाप, टाप, डाप, उपयुक्त सभी। तो 5 का बेहतरीन आंसर चाप हो जाएगा। देवतावाचक जो सूर्य होता है, सूर्य पद में कौन सा प्रत्यय है, वो कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो चाप। स्त्री प्रत्यय कितने होते हैं? तो नोट करते चलिए 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। आचार्य से पत्नी इस अर्थ में शुद्ध रूप होगा ए आचार्य, बी आचार्यानी, सी आचार्य, डी आचार्यायानी। तो बताएंगे छठवें का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी हो जाएगा, आचार्य से पत्नी आचार्यानी होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भैया, क्वेश्चन नंबर 7। गोपी, नारी, कुमारी में क्रमशः किन स्त्री प्रत्ययों का विधान किया गया है? ए गीन, गीस, गीप, बी गीप, गीस, गीन, सी गीन, गीप, गीस, डी गीस, गीन, गीप। तो 7 का बेहतरीन जवाब आप लोगों का डी हो जाएगा, गीस, गीन, गीप। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग क्वेश्चन नंबर 8। इत संज्ञा का निषेध करने वाला सूत्र है ए ना झलो, बी ना विभक्तोत्समा, सी नेंग उंग स्थानी वस्त्री, डी ना के। तो 8 का बेहतरीन जवाब भी हो जाएगा, इत संज्ञा का निषेध करने वाला सूत्र होता है ना विभक्तोत्समा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। आहू किस धातु और किस वचन का रूप है? ए ब्रू धातु एक वचन में, बी ब्रू धातु बहुवचन में, सी आह धातु एक वचन में, डी आह धनहु धातु एक वचन में। तो 9 का आपका बी हो जाएगा, ब्रू धातु बहुवचन में।
अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। धोक्षति रूप किस धातु एवं किस लकार का है? ए धुच धातु लट लकार का, बी धुच धातु लट लकार का, सी दुह धातु लट लकार का, डी आपका धोच धातु लट लकार का। तो बेहतरीन जवाब 10 का सी हो जाएगा, दुह धातु लट लकार। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा देखेंगे भैया? क्वेश्चन नंबर 11। हन धातु का लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप होगा। क्वेश्चन दे आप लोग ऑप्शन में आंसर वो कमेंट बॉक्स में नीचे देते रहिए आंसर। तो हन धातु का बताएंगे आप लोग हनंत होगा, बी घनंत होगा, सी हनयंत होगा, डी आपका घनंत होगा। तो 11 का बेहतरीन जवाब आप लोग का हो जाएगा 11 का डी घनंत होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। दा धातु विधिलिंग लकार का रूप नहीं है। ए दद्यात, बी दद्यात, सी ददाम, डी आपका दद्याम। तो 12 का बेहतरीन जवाब सी हो जाएगा ददाम। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। एक वचनांत रूप है। ए इसमत है, बी त्वत है, सी अस्मत है, डी उपयुक्त सभी है। तो 13 का बेहतरीन जवाब आपका बी हो जाएगा, त्वत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। एक वचनांत रूप नहीं है। ए लक्ष्मी, बी चंद्रमा, सी कति, डी आपका श्री। तो 14 का बेहतरीन जवाब आपका सी हो जाएगा, एक वचनांत रूप कति नहीं है और लक्ष्मी चंद्रमा श्री तीनों हैं। नोट करते चलिएगा आप लोग। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। और वीडियो अच्छी लगी रहे, क्वेश्चन मस्त मस्त हो तो आप लोग शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के पास। 15 का देखेंगे भूपति का चतुर्थी एक वचन में रूप होगा। भूपते, बी भूपतये, सी भूपतयी, डी भूपतयी। तो 15 का बेहतरीन जवाब आप लोग का बी हो जाएगा, भूपतये। भूपति का चतुर्थी एक वचन के रूप में क्या होगा? भूपतये। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। 14वां शब्द का क्रमवाची रूप क्या होगा? ए चतुर्दश, बी चतुर्दशा, सी चतुर्दशतम, डी चतुर्दशतम। तो बताएंगे 16 का बेहतरीन जवाब बी हो जाएगा, चतुर्दशा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 17। चार चतुर चंचल चालकों को बुलाओ। बहुत मस्त है, अगर होता कि कौन सा अलंकार है तो अनुप्रास लगा देते, है कि नहीं? देखना, चार चतुर चंचल चालकों को बुलाओ, इसका संस्कृत में शुद्ध अनुवाद होगा। तो बताएंगे चतुरह चतुरम चंचला चालकम अहोय, बी चतुरह चतुरान चंचलान चालकान आहोयत, सी चतुरह चतुरान चंचलान चालकान अहोय, डी चतुर चतुर चंचल चालकान आहोयतु। तो 17 का बेहतरीन जवाब बी हो जाएगा, चतुरह चतुरान चंचलान चालकान आहोयतु। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। वक्रोक्ति को आचार्य विश्वनाथ ने क्या माना है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन ये भी है। गुड़ माना है, बी रीति माना है, सी छंद माना है, डी अलंकार माना है। तो बताएंगे फटाफट आंसर आप लोग। तो वक्रोक्ति को आचार्य विश्वनाथ ने अलंकार माना है। अगला देखते हैं भैया 19वां क्वेश्चन। 66 को संस्कृत की संख्या में क्या कहेंगे? बताएंगे भैया 66 को संस्कृत की संख्या में क्या कहेंगे? षष्ठ षष्ठी कहेंगे, षड षष्ठी कहेंगे, सी षष्ठ षष्ठी कहेंगे, डी षष्ठ षष्ठी कहेंगे। 19 का बेहतरीन जवाब सी हो जाएगा, षष्ठ षष्ठी ही कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। सह त्वम पश्यति इसका कर्मवाची होगा। ए तेन अहम दृश्यते, बी तेन माम दृश्ये, सी तेन अहम दृश्य से, डी तेन त्वम दृश्य से। तो 20 का बेहतरीन जवाब डी हो जाएगा, तेन त्वम दृश्य से। अगला क्वेश्चन देखेंगे 21। उपधमानीय वर्णों का उच्चारण स्थान है। ए तालु है, बी जिह्वा मूल है, सी होष्ट है, डी आपका नासिका है। तो 21 का बेहतरीन जवाब सी हो जाएगा, उपधमानी वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। तालु का तो हम बताए हैं आपको ईचू यसा नाम तालु, जिह्वा मूल का जिह्वा मूल्य, नासिका का यमंगणना नाम नासिका। यही लिख देते हैं जिह्वा मूल किसे कहते हैं। तो देखिएगा पा और फा, और इसके आगे ऐसे अर्ध विसर्ग लग जाए, इसी को क्या कहते हैं? सॉरी, ये जिह्वा मूल नहीं, उपधमानी है। देखेंगे का और खा, ऐसे अर्ध विसर्ग लग जाए, ये क्या है? जिह्वा मूल है। उपधमानी भी बता दी आपको, पा और फा।
इसके आगे ऐसे लगा दीजिए अर्ध विसर्ग, ये हो गया आपका उपधमानी। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, वार्तिक कार कत्यायन किन वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा का विधान करते हैं? ए ए ऐ, बी ओ औ, सी री री, डी आपका री और री। तो बताएंगे 22 का बेहतरीन जवाब 22 का डी हो जाएगा, री और री। अगली बार ये भी पूछ सकता है कि जो सवर्ण संज्ञा है उनकी संख्या कितनी होती है आपस में, तो 30 होती है। मतलब कितनी होती है 30, इनके प्रकार री और री के परस्पर कितने भेद होते हैं, तो 30 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। बस आप लोग एक काम करिए, कापी कलम लेकर भैया नोट करते चलिएगा, और जब नोट कर लेंगे ना तो इस सेशन में जो क्वेश्चन आया है अगले सेशन में आएगा, तो आपका गलत नहीं होगा। और अभी तो पेपर के पेपर लगा है, नवंबर लास्ट तक लगा है, और सितंबर लास्ट तक या अक्टूबर के पहले सप्ताह में, तब तक तो आपको इतनी प्रश्नोत्तरी करा दी जाएगी, कम से कम 200 प्रश्नोत्तरी आपकी हो जाएगी। 200 प्रश्नोत्तरी में 125-25 क्वेश्चन रहेगा ना, आपका इससे बाहर कहीं आने वाला ही नहीं। बस आप लोग विश्वास बनाकर जुड़े रहिए। और सूचित कर दें आपको, अगर किसी को PDF की ज़रूरत हो या क्लास नोट्स की ज़रूरत हो या कुछ भी कंटेंट की आवश्यकता हो जो TGT के लिए आपको बेहतर और बनाएगा, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ना वो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, फ़ोन नंबर होगा, आप उसमें संपर्क कर सकते हैं। तो अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, अपादान संज्ञा विधायक, तेईस देखेंगे, घा संज्ञक प्रत्यय है। बताएंगे ए तरप तमप, बी सत्रिसानच, सी कत कतवत, डी आपका तब्यत अनियर। तो 23 का बेहतरीन जवाब आप लोगों का 23 का ए हो जाएगा, तरप तमप। तो सत्रिसानच की कौन सी संज्ञा होती है, तो तौसत होती है। कतवत, कतवत की कौन सी संज्ञा होती है, तो निष्ठा संज्ञा होती है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, अपादान संज्ञा विधायक सूत्र कितने हैं? ए 10 हैं, बी 8 हैं, सी 6 हैं, डी आपके 5 हैं। तो 24 का बेहतरीन जवाब भी हो जाएगा, अपादान संज्ञा विधायक सूत्र कितने होते हैं, तो 8 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे भैया क्वेश्चन नंबर 25, प्राग इस उपपद के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होगा? ए पंचमी का, बी षष्ठी का, सी सप्तमी का, डी आपका तृतीया का। तो 25 का ए हो जाएगा, पंचमी का। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26, किस सूत्र द्वारा विकल्प से षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियों का प्रयोग होता है? बहुत बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये, इसको आप लोग नोट करते चलिएगा। ये आपका छोटी से छोटी परीक्षा लेकर, मतलब टेट से लेकर TGT PGT नेट तक क्वेश्चन पूछा गया है इसका। तो बताएंगे एतस्त च निर्धारणम, बी यस्य च भावेन भाव लक्षणम, सी उभय प्राप्तो कर्मणि, सी डी आपका नक्षत्र चालू। तो 26 का बेहतरीन जवाब आपका ही हो जाएगा, ए यतस्य निर्धारण। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27, मुक्तये हरिम भजति, यहाँ मुक्तये में किस वार्तिक से चतुर्थी का विधान किया गया है? ए हित योगे च, बी उत्पातेन ज्ञापिते च, सी तदर्थे चतुर्थी वाच्य, डी आपका कलरूप संपत्ति माने च। तो 27 का बेहतरीन जवाब सी हो जाएगा, तदर्थे चतुर्थी वाच्य। अगला देखेंगे 28, सी धातु का शुद्ध तुमनंत रूप चयन करें, सैतुम, बी सेतुम, सी सैतुम, डी आपका सेतुम। तो 28 का बेहतरीन जवाब आप लोग का ए हो जाएगा, सैतुम। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29, अल्प प्राण और महाप्राण वर्णों की क्रमशः संख्या है? ए 14-19, बी 18-20, सी 19-14, डी 20-13। तो बेहतरीन जवाब आप लोग का 29 का क्या हो जाएगा भैया, सी हो जाएगा, 19-14। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30, महाकाव्यकार नाटककार खंड काव्यकार के रूप में संस्कृत साहित्य का प्रसिद्ध महाकवि कौन है? बहुत बेहतरीन जवाब इसका देंगे आप लोग, बताइएगा फटाफट। ए भवभूति होगा, बी भारवि होगा, सी वाल्मीकि होगा, डी कालिदास होगा। तो 30 का बेहतरीन जवाब आप लोग का डी हो जाएगा, कालिदास जी हैं। अगला देखेंगे 31 नंबर, महाकवि कालिदास के विषय में असत्य कथन है? एक कालिदास सिंघल नरेश कवि कुमार दास के मित्र थे, बी विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे, सी जन्म से ब्राह्मण तथा धार्मिक दृष्टि से शैव थे, डी बाल्यकाल में विद्वान बाद में मूर्ख हो गए। 31 का बेहतरीन जवाब डी हो जाएगा, बाल्यकाल में विद्वान बाद में मूर्ख हो गए। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32,
षष्ठ अंक में राजा दुष्यंत की शकुंतला जन्नवियों को छिपकर कौन सुनती है? ए मेनका सुनती है, बी सानुमति सुनती है, सी अदिति सुनती है, डी आपका बेत्रवती सुनती है। तो बताएंगे बेहतरीन जवाब कौन सा होगा, तो 32 का आपका हो जाएगा बी, राजा दुष्यंत के शकुंतला जन्नवियों को छिपकर सानुमति सुनते। सानुमति कौन थी? तो मेनका की सहेली थी। मेनका कौन थी? अभिज्ञान शकुंतलम में जो हीरोइन है शकुंतला जी, उनकी मम्मी थी। समझ रहे हैं ना? 33 देखेंगे, अभिज्ञान शकुंतलम के केवल एक अंक में किस पात्र का चित्रण है? ए गौतमी का, बी विदूषक का, सी कणु का, डी सारंग्रव का। तो 33 का बेहतरीन जवाब आपका सी हो जाएगा, कणु का। अगला देखेंगे 34, भाग्य भाग्यतमत परम नखल तदचम वधु बंधुवी, यह कथन किसका है? ए कणु का है, बी दुष्यंत का है, सी प्रियंवदा का है, और डी आपका सारंग्रव का है। तो बताएंगे 34 का बेहतरीन जवाब ए हो जाएगा, कणु का है, भाग्यमत्ता परम नखल तदवाच्यम वधु बंधुवी। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35, परिहास जलपितम सखे परमार्थेन जगृहात्म वच, यह कथन किसने किससे कहा? ए राजा दुष्यंत शकुंतला से, बी विदूषक राजा दुष्यंत से, सी कणु सारंग से, डी आपका राजा दुष्यंत विदूषक से। तो 35 का बेहतरीन जवाब राजा दुष्यंत ने विदूषक से कहा था। क्या कहा था? कि परिहास विजल्पितम सखे परमार्थेन चा गृहतमा वचा, गृहतम वचा है। 36 देखेंगे, यह भी बहुत बेहतरीन है, पीड़यन्ते गृहिणः कथं नूतनया विश्लेष दुख दुखैर्नवी, इस पंक्ति में रस कौन सा है? भयानक रस है, बी करुण रस है, बी श्रृंगार रस है, सी करुण रस है, डी आपका रौद्र रस है। तो 36 का बताएंगे, अभी रोने होने की बात जहाँ आएगी पीड़ा उड़ा की, वहाँ पर करुण रस ही होगा, है कि नहीं? और करुण रस आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता ना। वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और क्वेश्चन ज़बरदस्त है ये भी बताइएगा भैया ना। इसको अभी चाहा जाए तो इतना विश्लेषण कर दिया जाए कि, लेकिन ये वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी, 125 क्वेश्चन का आपको अगर जैसे हल जितना ज़रूरी होता है उतना कर दिया जाता है, ये रखा जाता है दिमाग में कि एक घंटा के अंदर की वीडियो आप लोग को मिले। अगर इसको 2-3 घंटे कर दिया जाएगा ना तो आप लोग देखेंगे नहीं तो बोरिंग लगेगा, मतलब ऐसे जमवाएंगे, फिर पानी पियेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे। तो हम एक घंटे की वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि उस प्रश्नों की प्रकृति को आप समझेंगे, अच्छा इस प्रकार से प्रश्न आता है, और देखिएगा और आप लोग नोट करते चलेंगे। 2-3 बार इसकी प्लेलिस्ट बना दी जा रही है, बना दी गई है, आप लोग वहाँ जाएंगे तो इसको जब परीक्षा और नज़दीक होगा तो एक एक घंटे की वीडियो रहेगी, आप लोग तुरंत बढ़िया क्या करेंगे जैसे स्पीड बढ़ा के देख लेंगे, है कि नहीं। अगला देखेंगे 37 नंबर, किस कवि को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? वाल्मीकि को, बी कालिदास को, सी व्यास को, डी बाणभट्टी को। तो बताएंगे 37 का जबरदस्त आंसर बी हो जाएगा, कालिदास को। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38, यस त्वया व्रण विरूपणम इंगुदीनाम, इसमें छंद है, बताएंगे भैया बसंत तिलका है, बी इंद्रवर्जा है, सी वंशस्थ है, डी आपका मालिनी है। तो बताएंगे 38 का बेहतरीन जवाब आप लोग का बसंत तिलका हो जाएगा। गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, मतलब जहाँ आपको 15 अक्षर दिखाई दे वहाँ बसंत तिलका होता है। अगला देखेंगे 14, सॉरी मालिनी में 15 होता है। सो अयम न पुत्र कृतिक पदवी मृगस्ते, यहाँ पुत्र कृतिक में कौन सा प्रत्यय है? ए कन प्रत्यय है, बी कसु प्रत्यय है, सी क्यंग प्रत्यय है, डी आपका किच प्रत्यय है। 39 का बेहतरीन जवाब ए हो जाएगा, कन प्रत्यय है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40, भवत उत्सव पद का संधि विच्छेद होगा। ए भवत धन उत्सव, बी भवत धन उत्सव, सी भवत धन उत्सव, डी भवती धन उत्सव। तो 40 का बेहतरीन बी हो जाएगा, भवती धन उत्सव। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41, सर्वैर अनुगता में वाच्य है। एक कर्मवाच्य है,
बी कर्तवाच्य है, सी भाववाच्य है, डी उपयुक्त सभी है। 41 का बेहतरीन जवाब भाववाच्य हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42। तस्मिन कुरावश चकासित, यहाँ चकासित चकासत है। चकासत क्रियापद में कौन सी धातु है, बताएंगे चक धातु है, चकाश्री धातु है, सी कास धातु है, डी आपका चकस धातु है। तो 42 का बेहतरीन जवाब आपका बी हो जाएगा, चकश्री धातु है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43। प्रतीयते धातुर्विहिते फलैः, यह पद्यांश किस ग्रंथ से संबंधित है, ए निःशतक से, बी उत्तर रामचरितम से, सी किरातार्जुनीयम से, डी आपका अभिज्ञान शकुंतलम से। तो 43 का बेहतरीन जवाब सी हो जाएगा, किरातार्जुनीयम से। अगला क्वेश्चन देखेंगे सुगनासोपदेश के अनुसार लक्ष्मी में चंचलता का गुण कहाँ से आया, बताएंगे भैया पारिजात पल्लव से आया, बी चंद्रमा से आया, उच्च सरई घोड़े से आया और कौस्तुभ मणि से आया। तो 44 का बेहतरीन जवाब आप लोगों का 44 का सी हो जाएगा, उच्च सरई घोड़े से आया चंचलता। देखिएगा घोड़ा वैसे भी चंचल होता है, सामान्य घोड़ा देखिएगा एक पैर उठाता होगा, समझ रहे हैं, और तो जान लीजिए उच्च सरई घोड़ा कितना चंचल होगा, उसी के हिसाब से लक्ष्मी भी चंचल होती हैं। अच्छा पारिजात पल्लव से क्या लिया है, इन्होंने अनुराग लिया है, कौस्तुभ मणि से क्या लिया है तो कठोरता लिए, और चंद्रमा से क्या लिया है तो टेढ़ापन। अगला देखेंगे चंद्रमा से, वैसे इसमें लक्ष्मी जी ने लिया कुछ नहीं है और तीनों से लिया, तो ये जो चंद्रमा का होता है टेढ़ापन बता दिए, ये भी आपका नहीं उसमें मिलेगा सुगनासोपदेश में। सुगनासोपदेश किसकी रचना है तो बाणभट्ट जी की। 45 देखेंगे नशीलम पश्यति न वैग्धम नश्रुतम आकर्णयति न त्यागम मदीरते, फिर से देखिएगा नशीलम पश्यति न वैग्धम गणयति नश्रुतम आकर्णयति न त्यागम मदीरते, यहाँ किसका वर्णन है, ए गौर सिंह का, बी यौनी वक्त का, सी लक्ष्मी का, डी ब्रह्मचारी का। तो बताएंगे 45 का जबरदस्त आंसर, 45 का सी हो जाएगा, लक्ष्मी का। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46। दुष्ट पिशाची दर्शितानेन कुपुरसोच्छाया, यहाँ दुष्ट पिशाची पद से किसका संकेत है, ए लक्ष्मी जी का, बी चांडाल कन्या का, सी बसंत सेना का, डी पिशाचिनी का। तो 46 का बेहतरीन जवाब ए हो जाएगा, लक्ष्मी का। दुष्ट पिशाची पद किसके लिए आया है तो लक्ष्मी के लिए है। अगला देखेंगे ये सब सुकनास प्रदेश का है। यथा यथा चेयम चपला दीपते तथा तथा दीप सिखेव कज्जल मलिनमेव कर्म केवलम उदमती, जैसा जैसे चा यम चपला दीपते ये चमकता है तथा दीप सिखा योग कज्जल, और तब मतलब जब दिया ना चमकता है तो क्या करता है कि उसकी जो दीप सिखा होती है वो मलिन करती है। तो बताएंगे यहाँ कौन सा अलंकार है, तो ए रूपक अलंकार है, बी उत्प्रेक्षा अलंकार है, सी उपमा है, डी दीपक है। तो 47 का बताएंगे आप लोग सी हो जाएगा, उपमा है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48। ग्रहैर यु गृहन्ते भूतैर युर्विभूयन्ते मंत्रैर युवावेश्यन्ते, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, यू यू आया है तो आप बता सकते हैं कौन सा उत्प्रेक्षा होगा, बी उपमा होगा, सी अन्वयन होगा, डी रूपक होगा। तो 48 का बेहतरीन जवाब ए हो जाएगा, उत्प्रेक्षा होगा, समझ रहे हैं। अगला देखिएगा ग्रहीर यू गृहन्ते कि मगरमच्छ के द्वारा पकड़ लिए गए हैं, और भूतैर यू भूयन्ते और भूतैर के द्वारा और मंत्रों के द्वारा बस में किए गए हैं, तो मतलब जैसे मंत्रों के और जहाँ मंत्रों ये आए उत्प्रेक्षा में क्या होता है, जहाँ यू आए वहाँ उत्प्रेक्षा हो जाता है, संभावना किया जाता है, ऐसा कल्पना करते हैं कि राजा ऐसे हो गए जैसे ग्रहों के द्वारा पकड़ लिए गए हैं, हैं और ऐसे मंत्रों के द्वारा बस में कर लिए गए हैं। अगला देखेंगे तो ये देखिएगा बहुत ये भी बेहतरीन है, कामम भवान प्रकृत्यो धीरः पित्रा च महता प्रयत्नेन समारोपितः संस्कारः तरल हृदय प्रतिबुद्धि मदयन्ति धनानि तथापि भवद गुण संतोषो माम में मुखरी कृतवान, फिर से देखिएगा फिर ये समझ लेंगे आप। कामं भवान प्रकृतेव धीरः पित्रा च महता प्रयत्नेन समारोपितः संस्कारः तरल हृदय प्रतिबुद्धि मदयन्ति धनानि
तथापि भवद गुण संतोषो मामेव मुखरी कृतवान। अब देखिएगा ये बेहतरीन गद्यांश है, तो गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देवें। 49 देखेंगे, भवान पद से किसका संकेत किया गया है? ए तारापीठ का, बी योगी राजी का, सी गौर सिंह का, डी आपका चंद्रापीठ का। तो 49 का बेहतरीन जवाब आपका डी हो जाएगा, चंद्रापीठ का किया गया है। तो किस उसका है ये, तो सुकनासो प्रदेश का है। लिखा किसने है? बाण भट्ट जी ने। पितरा पद से किसका बोध हो रहा है? ब्रह्मचारी गुरु का, बी योगी राज का, सी शिवाजी का, डी आपका तारापीठ का। तो 50 का बेहतरीन जवाब जब सुकनासो प्रदेश का है तो पितरा सबसे तारापीठ का ही बोध होगा, क्योंकि चंद्रा पीठ के पिताजी का नाम तारापीठ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 51। माम, यहाँ माम पद किसके लिए प्रयुक्त है? ए सुकनास के लिए, बी योगी राज के लिए, सी ब्रह्मचारी के लिए, डी चंद्रापीठ के लिए। तो 51 का बेहतरीन जवाब ए हो जाएगा, सुकनास के लिए माम पद प्रयुक्त हुआ है। अगला देखेंगे 52। प्रस्तुत गद्यांश किस ग्रंथ से है? तो कादम्बरी कथामुख से है, बी शिवराज विजयम से है, सी कादम्बरी सुकनासो प्रदेश से है, डी आपका सुकनास विजयम से है। बेहतरीन जवाब आप लोग का 52 का हो जाएगा भैया, सी कादम्बरी सुकनासो प्रदेश से है। अगला देखते हैं 53 नंबर, देखिएगा। अरे रे वाचाल हाय रात्रो स्मत कुटीरे रुदितम समायताम याताम ब्रह्माण तनायाम सपदि प्रयच्छति। यह कथन किसका है? तो बताएंगे गौर सिंह का है, श्याम सिंह का है, ब्रह्मचारी गुरु का है और यवन युवक का है। तो 53 का डी हो जाएगा, यवन युवक ने कहा था। वो किससे कहा था? तो गौर सिंह से कहा था, अरे रे वाचाल तुम्हारे घर में, तुम्हारी कुटी में जो रोती हुई कन्या आई थी ब्रह्माण कन्या, वो कहाँ है? उसको जल्दी लौटा दो। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 54, ये बहुत बेहतरीन है हम लोग की व्यवहारिक दृष्टि से और पढ़ाई की दृष्टि से, तो बेहतरीन है ये है। देखेंगे, कार्यम वा साधेयम देहम वा पातेयम, यह सूक्ति किस ग्रंथ से संबद्ध है? एक सुकनासोपदेश से, बी शिवराज विजयम से, सी कादम्बरी कथामुख से, डी आपका शिवाजी चरितम से। तो बताएंगे बेहतरीन जवाब 54 का आपका हो जाएगा, ये पंक्ति शिवराज विजयम से है। किसके लिए कही गई है? तो बताएंगे आप लोग, किसके लिए कही गई है? तो ये कही गई है शिवाजी के लिए। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55। बोरिंग तो नहीं लग रहा होगा ये सेशन, क्योंकि मस्त मस्त है। अब अगर अभी जैसे बात बात किया जाएगा भैया, तो वीडियो लंबी हो जाएगी और ऐसे एक घंटे में ख़त्म हो जाएगा। अगर एक घंटे में आप लोग 125 क्वेश्चन कर लेंगे ना, तो वहाँ पेपर में जब जाएंगे बैठेंगे, तो एक घंटे में 125 क्वेश्चन किए तो बढ़िया बेहतरीन दोबारा कापी भी चेक कर लेंगे कौन सा सही है। और बाद में आंसर की में भरना कुछ लोग की आदत होती है कि तुरंत क्वेश्चन पकड़े नहीं कि आंसर की भी फिल करने लगे, तो ये सब चंचलता नहीं दिखाना, क्योंकि आप बनने जा रहे हैं इंटर कॉलेज के टीचर और इंटर कॉलेज के टीचर में मेच्योरिटी होना चाहिए, है कि नहीं? लबड़ी दहनी नहीं ऐसे कि बस। आगे देखेंगे, दक्षिणी प्रदेश के शासक के रूप में औरंगजेब द्वारा कौन भेजा गया था? ए शाइस्ता खां, बी बीजापुर का नवाब, सी यवन युवक, डी आपका मानसिंह। तो 55 का बताएंगे बेहतरीन जवाब ए हो जाएगा, शाइस्ता खां। अगला देखेंगे 56। तपांसी आतपिसत, यहाँ आतपिसत में कौन सा लकार है? ए लंग लकार, बी लुंग लकार, सी लिंग लकार, डी आपका लिंग लकार। तो 56 का बेहतरीन जवाब भी हो जाएगा, लुंग लकार। और हम बता रहे हैं आपको, शिवराज विजयम जब आप वहाँ जाइएगा ना, तो जब आपको लगे कि अच्छा इसमें लकार समझ में नहीं आ रहा, आप लुंग लगा के चले आए, लुंग लकार लगा के चले आएंगे, 99% हम आपको बता रहे हैं ये आपका कहीं भी गलत होने वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 57। भगवान धैर्येण प्रसादेन प्रतापेन तेजसा वीर्येण विक्रमेण शांत्या स्त्रिया विद्या च सममेव परलोकम सनातिवती। इन पंक्तियों में किसके गुणों का वर्णन किया गया है?
योगी राज जी के, बी चंद्रापीठ के, सी विक्रमादित्य के, डी शिवाजी के। तो ये तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ये। 57 का क्या क्या हो जाएगा? 57 का आपका कि भगवान धैर्येण प्रसादेन प्रतापेन तेजसा वीरेण विक्रमेण शांत्या सिरप तम समायो परल सनाथिवती। तो सी हो जाएगा ये, 57 का आपका सी हो जाएगा, विक्रमादित्य के हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58, किम अधिकम कथयामो भारत वर्ष अधुनम अन्य आदृशमेव संपन्नम अस्ति। यह कथन किसका है? योगी राज का, ब्रह्मचारी गुरु का, सी गौर सिंह का, डी यवन युवक का। 58 का बताएंगे बी हो जाएगा, ये कथन ब्रह्मचारी गुरु का है कि आज भारत कुछ दूसरे तरीके से हो गया है। अगला देखेंगे, ये भी आपका शिवराज विजयम का ही है, भवादृशी न ज्ञायते काल वेगः। यहाँ भवादृशी पद से किसका संकेत किया गया है? ए ब्रह्मचारी गुरु का, बी गौर सिंह का, सी योगी राज का और डी आपका शिवाजी का। तो बताएंगे 59 का कौन सा हो जाएगा, सी भवादृशी से किसका बोध हो रहा है? योगी राज जी का। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60, ने दियस पद का क्या अर्थ है? अति समीप, बी अति दूर, सी नदी किनारे, डी इनमें इसे न दो। तो 60 का देखेंगे ए हो जाएगा, नेदियस माने होता अति समीप। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61, अप ससार की व्याकरणतम टिप्पणी बताओ, अप धनश्री धनलंग, बी अप धनश्री धनलिठ, सी अप धनश्री धनलुंग, डी अप धनश्री धनलृंग। तो 61 का बताएंगे बेहतरीन जवाब बी हो जाएगा, अप धनश्री धनलिठ। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62, मंदराणी मंदूरी क्रियंते, यहाँ मंदूरी पद का क्या अर्थ है? ए सुंदरी है, बी घुड़साल है, सी नष्ट करना है, डी आपका ऊंचा करना है। तो मंदूरी माने घुड़साल होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 63, भवभूत मूलतः किस रीति के कवि माने जाते हैं? पांचाली के, बी वैदर्भी के, सी गौड़ी के, डी उपयुक्त सभी। तो 63 का बेहतरीन जवाब आप लोग का हो जाएगा, सी गौड़ी के माने जाते हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 64, किस नाटक में 12 वर्षीय घटनाओं का वर्णन है? ए उत्तर रामचरितम में, बी अभिज्ञान शकुंतलम में, सी स्वप्नवास दत्तम में, डी मृच्छकटिकम में। तो 64 का बेहतरीन जवाब हो जाएगा, 12 वर्षीय घटनाओं का वर्णन आपके उत्तर रामचरित में है। कि तो ये क्यों ऐसा है? क्योंकि बालक लवकुश की 12वीं वर्षगांठ रहती है और वही लिए सूर्यदेव को जल चढ़ाने के लिए सीता जी जाती हैं। अगला देखेंगे 65, उत्तर रामचरित के प्रथम अंग का नाम क्या है? ए छायांक है, बी गर्भांक है, सी चित्र दर्शन अंक है, डी आपका पंचवटी प्रवेश अंक है। तो 65 का बेहतरीन जवाब आप लोग का सी हो जाएगा, पहला चित्र दर्शन अंक है और तीसरा अंक आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट है और TGT के सिलेबस में है वो है तीसरा अंक, जिसे कहते हैं छायांक। अगला देखेंगे 66 नंबर, अस्मिन्ने वलता गृहे तम भवस्तन मार्ग दक्ति छड़ा, इसका वक्ता कौन है? ए दुष्यंत हैं, बी कणुजी हैं, सी सारंग्रम हैं, डी आपका बासंती हैं। तो 66 का बेहतरीन जवाब हो जाएगा, डी बासंती जी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 67, पौलस्त्य पद किसका वाचक है? ए रावण का, बी वाल्मीकि का, सी अगस्त का, डी राम का। तो 67 का ही हो जाएगा, ए रावण का है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68, संजीवनस्तो धीरसो हृदिना प्रसक्ता, यह पंक्ति किस कवि से संबद्ध है? ए कालिदास से है, बी भवभूत से है, सी बाणभट्ट से है, डी आपका अंबिका दत्त व्यास से है। तो 68 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, भवभूत से है। अगला देखेंगे 69, यत्र द्रुमः अपि मृगः अपि बांधवो मे, इस पंक्ति में छंद है। ए वसंत तिलका, बी इंद्रवर्जा, सी उपेंद्रवर्जा, डी आपका बंसंस। तो 69 का हो जाएगा, ए कौन सा हो जाएगा भैया, बसंत तिलका। देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और जहाँ 14 वर्ड आए गिन लेने पर वहाँ बसंत तिलका लगा दीजिएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70, आवंत सुंदरी कथा के अनुसार भारत के पिता का नाम है? ए दामोदर है, बी नारायण स्वामी है, सी आपका आदपत्र है, डी आपके विष्णुवर्धन है।
तो 70 का बेहतरीन जवाब आपका हो जाएगा, 70 का बी। भारत के पिता नारायण स्वामी जी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 71। किस महाकवि के साथ भारत का पारिवारिक संबंध माना जाता है? ए बाण भट्ट जी के साथ, बी दंडी जी के साथ, सी सुबंधु के साथ, डी आपका मम्मट के साथ। तो 71 का बताएंगे दंडी हो जाएगा। अगला देखेंगे 72। विसंकमानो भवतः पराभवम्। यहाँ विसंकमान पद में प्रत्यय है, ए सत्य प्रत्यय है, बी सानच प्रत्यय है, सी मतु प्रत्यय है, डी आपका वतुप है। तो बताएंगे बेहतरीन जवाब 72 का कौन सा हो जाएगा भैया, तो 72 का आपका बी हो जाएगा, सानच प्रत्यय है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 73। इमाम अहम वेद न ताव किम धियम। यहाँ अहम पद से किसका संकेत है? ए वनेचर का, बी द्रौपदी का, सी दुर्योधन का, डी युधिष्ठिर का। तो 73 का बेहतरीन आपका हो जाएगा बी द्रौपदी का। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 74। लक्ष्मी पदांक महाकाव्य कहा जाता है? ए किरातार्जुनीयम को, बी सुषपाल वध को, सी नैसचरतम को, डी आपका रघुवंश महाकाव्यम को। तो 74 का बेहतरीन जवाब ए हो जाएगा, किरातार्जुनीयम को। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 75। श्रियः पति श्रीमति साहसितम् जगत। यह मंगलाचरण पद्यांश किस ग्रंथ का है? किरातार्जुनीयम का है, बी नैसचरतम का है, सी सुषपाल वधम का है, डी आपका रघुवंश का है। तो 75 का बताएंगे बेहतरीन जवाब आप लोग का सुषपाल वध का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76। कवि कुमारदास की रचना है? ए जानकी जीवनम, बी सीता चरतम, सी आपका जानकी हरणम, डी आपका जामोती विजयम। तो 76 का बेहतरीन आंसर आप लोगों का हो जाएगा सी जानकी हरणम। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 77। भवाद्रि से सुप्रमदा जनोदितम। यहाँ प्रमदा जन से किसका बोध हो रहा है? ए वनेचर का, बी द्रौपदी का, सी क्षुद्र जनों का, डी आपका कौरवों का। तो 77 का भैया बेहतरीन जवाब बी हो जाएगा, द्रौपदी का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 78। तथापि जिह्मा सभवत जिगीषया। यहाँ जिह्मा पद किसके लिए प्रयुक्त है? दुर्योधन के लिए, बी दुशासन के लिए, सी धृतराष्ट्र के लिए, डी आपका वनेचर के लिए। तो 78 का कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, दुर्योधन के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 79। समेन सिद्धि मुनयो न भूभृतः। इसका वक्ता कौन है? ए वनेचर है, बी द्रौपदी है, सी युधिष्ठिर है, डी आपका दुर्योधन है। तो बताएंगे 79 का बी हो जाएगा, द्रौपदी। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 80। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में किस छंद का प्रयोग नहीं है? तो बताएंगे भैया ए मालिनी, बी वंशस, सी इंद्रवर्जा, डी आपका पुष्पिताग्रह। तो बताएंगे 80 का बेहतरीन जवाब आपका सी नहीं होगा, इंद्रवर्जा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 81। सर्वाधिक प्राचीन कवि कौन है? माघ हैं, बी भारव हैं, सी भवभूति हैं, डी आपके श्री हर्ष हैं। तो बताएंगे 81 का कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, सर्वाधिक प्राचीन कवि भारव जी हैं। अगला देखेंगे 82। किस कवि ने अपने जीवन के विषय में अपने ग्रंथ में स्वयं लिखा है? ए भारव, बी माघ, सी कालिदास, डी आपके बाणभट्ट जी। तो 82 का कौन हो जाएगा भैया? 82 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, बाणभट्ट। अगला देखते हैं 83 देखेंगे भैया। गंधर्व राज चित्ररथ की पुत्री है? ए विलासवती, बी महाश्वेता, सी कादंबरी, डी आपका चांडाल कन्या। तो 83 का बेहतरीन जवाब आप लोग का सी हो जाएगा, गंधर्व राज चित्ररथ की पुत्री कौन है? कादंबरी जी हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 84। किस ग्रंथ की रचना पिता पुत्र दोनों ने की? दशकुमार चरित की, बी काव्य प्रकाश की, सी कादंबरी कथा की, डी वासव दत्ता की। तो 84 का बेहतरीन जवाब आपका सी हो जाएगा, कादंबरी कथा की। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 85। प्राबिट पद का क्या अर्थ है? तो ए शरद ऋतु, बी वर्षा ऋतु, सी शिशिर ऋतु, डी आपका ग्रीष्म ऋतु। तो 85 का बेहतरीन जवाब आप लोग का, प्राबिट का मतलब होता है वर्षा ऋतु। अगला देखेंगे मनोरमा कुछ मर्दन इस ग्रंथ के रचयिता हैं? भट्टोजी दीक्षित, बी नागेश भट्ट, सी पंडित राज जगन्नाथ, डी भरदराज। तो 86 का सी हो जाएगा, पंडित राज जगन्नाथ। अगला देखेंगे 87। पितयो में संधि है,
ए यण संधि है, बी पूर्व रूप है, सी गुण है, डी आपका पर रूप है। तो 87 का बेहतरीन जवाब सी हो जाएगा, पितेव में कौन सी है, गुण संधि है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 88, शुद्ध क्रियापद का चयन करें, रोदंती, बी रोदामी, सी रोदामा, डी रोदिम। तो 88 का कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, रोदिम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 89, अशुद्ध पद का चयन करें, ए दधि, बी शमश्रु, सी जानू, डी आपका तालु। तो 89 का आपका डी हो जाएगा, तालु। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 90, अशुद्ध पद का चयन करें, ग्रहण, ग्रहितुम, सी ग्रहितवान, डी ग्रहितुम। तो 90 का बेहतरीन जवाब आपका ग्रहितुम गलत है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 91, शुद्ध पद का चयन करें, सहोदरी होगा, सहोदरा होगा, भयंकरी होगा, उपयुक्त सभी होगा। तो 91 का बेहतरीन जवाब आपका हो जाएगा, बताएंगे कौन सा हो जाएगा भैया, तो ये आपके जो पहला सेशन था उसमें भी आ चुका है। तो कौन सा हो जाएगा, 91 का बी हो जाएगा, सहोदरा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92, महाभाष्य में पतंजलि का प्रथम वाक्य है, अथ शब्दानुशासनम, बी अधातो ब्रह्म जिज्ञासा, सी वृद्धारादैच, डी आपका अधातो धर्म जिज्ञासा। तो 92 का बेहतरीन जवाब ए हो जाएगा, अथ शब्दानुशासनम। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 93, चीनी यात्री इत सिंह भर्तहरि को क्या मानता है, ए बौद्ध मानता है, बी जैन मानता है, सी शैव मानता है, डी आपका वैष्णव मानता है। तो 93 का बेहतरीन जवाब ए हो जाएगा, बौद्ध मानता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 94, एक अन्य मतानुसार भर्तहरि के गुरु का नाम माना जाता है, दिग्नांग, बी वसुराज, सी पाणिनी, डी आपका हेमचंद। तो 94 का बेहतरीन जवाब आप लोग का हो जाएगा, ए दिग्नांग माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 95, भर्तहरि के वाक्य पदीय में कितने कांड हैं, ए 3 कांड हैं, बी 4 कांड हैं, सी 5 कांड हैं, डी आपके 6 कांड हैं। तो 95 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा, 95 का ए हो जाएगा, 3 कांड हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 96, समरक्ता भी त्रिस्पुर विजयो गीयते किन्नरभिः में कौन सा वाच्य है, ए कर्तवाच्य है, बी भाववाच्य है, सी कर्तवाच्य है, डी इनमें से कोई नहीं। तो 96 का ए हो जाएगा, कर्मवाच्य होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 97, अपाम में कौन सी विभक्ति है, द्वितीय भक्ति है, बी षष्ठी भक्ति है, सी पंचमी है, डी आपका प्रथमा है। तो 97 का बेहतरीन जवाब आपका बी हो जाएगा, अपाम में षष्ठी भक्ति है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 98, गच्छन्तिनाम रमण वसितम योषिताम तत्र नकतम, यहाँ किस नगरी की रमणियों का वर्णन किया गया है, ए अलकापुरी की, बी दसाण देश की, सी उज्जैनी की, डी आपका मालवा देश की। 98 का बेहतरीन जवाब सी हो जाएगा, उज्जैनी की महिलाओं का वर्णन किया गया है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 99, सेवियंते नयन सुभगम खे भवंतम बलाकः, यहाँ भवंतम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, यक्ष के लिए, कुबेर के लिए, शिव के लिए, मेघ के लिए। तो 99 का जबरदस्त आंसर हो जाएगा आपका, मेघ के लिए किया गया है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 100, संदेशम हर धनपति क्रोध विश्लेषित, यह किसका किससे निवेदन है, ए यक्ष का कुबेर से, बी यक्षिणी का यक्ष से, सी यक्ष का मेघ से, डी मेघ का यक्ष से। तो 100 का बेहतरीन आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, यक्ष का मेघ से। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 101, भर्तहरि के अनुसार जो नादान देता है और ना उपभोग करता है उस धन की क्या गति होती है, ए नाश, बी भोग, सी दुगुना, डी बचत। तो 101 का कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, नाश। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, भर्तहरि के अनुसार शास्त्र विहित औषधि किसकी नहीं होती है, ए राजा की, बी विद्वानों की, सी मूर्ख की, डी संस्कृतज्ञों की। तो 102 का कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, मूर्ख की। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 103, कश्मीरी लेखकों में सर्वश्रेष्ठ कौन माने जाते हैं, ए कल्हड़, बी बिल्हड़, सी जल्हड़, डी आपका अभिनव गुप्त। तो 103 का बेहतरीन जवाब आप लोग का क्या हो जाएगा, डी अभिनव गुप्त। वीडियो को शेयर भी करिएगा भैया, और किसी कंटेंट की आवश्यकता हो, मतलब जो टॉपिक आपको समझ में ना आ रहा हो वो आप अगर कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो उसपे उसको पढ़ाया जाएगा। निम्न में से किसकी सार्वधातुक संज्ञा होती है, ए तिंगसित की, बी तिंगकृत की, सी तिंगसुक की, डी तिंगतद्धित की। तो 104 का जबरदस्त आंसर हो जाएगा, 104 का ए हो जाएगा, तिंगसित की। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 105,
राजा दुष्यंत ने शकुंतला के विरह में किस उत्सव के मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया था? ए बसंत उत्सव के, बी शरद उत्सव के, सी वन उत्सव के, डी आपका ग्रीष्म उत्सव के। तो 105 का बताएंगे बेहतरीन जवाब आप लोग का, बसंत उत्सव को मनाने के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। 106 देखेंगे आप लोग, अभिज्ञान शकुंतला में राजा दुष्यंत की दाहिनी भुजा फड़कने का प्रसंग कितनी बार आया है? ए एक बार, बी दो बार, सी आपका तीन बार, डी आपका चार बार। तो बताएंगे कितनी बार आया है, 106 का हो जाएगा बी, दो बार आया है, एक बार विवाह के पहले अभिज्ञान उनसे शकुंतला जी से और एक बार विवाह के बाद। अगला देखेंगे 107, कौन सा युग अशुद्ध है? ए भी एनाम, बी इमो एनव, सी अनेन एनेन, डी इमम एनम। तो 107 का कौन सा हो जाएगा भैया? ए हो जाएगा, ए भ्या ए नाम। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 108, दारा सिकोह ने उपनिषदों का अनुवाद किस भाषा में करवाया? ए हिंदी में, बी संस्कृत में, सी फारसी में, डी उर्दू में। तो 108 का कौन सा हो जाएगा? सी फारसी भाषा में करवाया। 109 देखेंगे आप लोग, कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए यज्ञस्य अनुदेव वर्षति, बी यज्ञ मनुदेव वर्षति, सी यज्ञम मनुदेव वर्षति, डी आपका यज्ञेण अनुदेव वर्षति। तो 109 का बेहतरीन जवाब आप लोग का बी हो जाएगा, यज्ञ मन देवा वर्षते। अगला देखेंगे 110, जो देश वर्षा पर निर्भर नहीं रहते उसे क्या कहा जाता है? देव मात्रिक, बी अदेव मात्रिक, सी वर्षा मात्रिक, डी आपका देश मात्रिक। तो 110 का कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, अदेव मात्रिक। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 111, वनवास काल में कठोर भूमि पर कौन सोते हैं? ए भीम अर्जुन, बी युधिष्ठिर द्रौपदी, सी वनेचर युधिष्ठिर, डी नकुल सहदेव। तो 111 का कौन सा हो जाएगा? डी नकुल सहदेव। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग 112, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं? ए बाण भट्ट जी, बी तिक्रम दीप्रिक्रम भट्ट, सी नागेश भट्ट, डी अन्नम भट्ट। तो 112 का बेहतरीन जवाब ए हो जाएगा, बाण भट्ट जी माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 113, सर्वाधिक अर्वाचीन कवि माने जाते हैं भारत, भर्तहरि, भवभूत की भोज। तो 113 का बेहतरीन जवाब भोज हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 114, वाग देवता अवतार किसकी उपाधि है? ए मयूर भट्ट की, बी मम्मट की, सी बाण भट्ट की, डी आपका माघ की। तो 114 का बताएंगे भैया, बेहतरीन जवाब भी हो जाएगा, वाग देवता अवतार मम्मट की उपाधि है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 115, संस्कृत कवियत्रों में सर्वाधिक अर्वाचीन कवित्री हैं गंगा देवी, बी तिरुमलाब्बा देवी, सी राम भद्राम्बा, डी पंडिता छमाराव। तो 115 का बेहतरीन आंसर डी हो जाएगा, पंडिता छमाराव। अगला देखेंगे 116, अनेक अनेक पद का क्या अर्थ है? ए स्वर्ग है, बी सेना है, सी वाटिका है, डी आपका आश्रम है। तो 116 का बी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? बी अनेक अनेक का मतलब सेना होता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 117, प्रच्छेद किस रूप, देखेंगे 117, प्रच्छेद रूप किस धातु का है? प्रच्छ का है, बी पृच्छ का है, सी पृच्छ का है, डी आपका प्रच्छ का है। तो 117 का बेहतरीन जवाब ए हो जाएगा, प्रच्छ धातु का है। अगला देखेंगे 117 का ए, 118 का देखेंगे, दो व त्रौ व द्विधातृह में कौन सा समास है? द्वंद्व है, बी बहुव्रीहि है, सी तत्पुरुष है, डी आपका द्विगु है। तो 118 का कौन सा हो जाएगा? बी बहुव्रीहि समास है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 119, अव्यय पद नहीं है गत्वा में, बी द्रष्टुम, सी उकृष्णम, डी आपका मित्रम। तो बताएंगे 119 का कौन नहीं है अव्यय पद? तो 119 का पद डी हो जाएगा, मित्रम में नहीं है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 120, माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य है नागरिकता की भावना का विकास, बी जीव को उपार्जन की क्षमता का विकास, सी व्यक्तित्व एवं नेतृत्व क्षमता का विकास, डी आपका उपयुक्त सभी। तो 120 का कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 121, चतुर्दश विद्याओं के अंतर्गत नहीं गिना जाता है? ए चार वेद, बी छह वेदांग, सी पुराण, न्याय मीमांसा, धर्मशास्त्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो 121 का बेहतरीन जवाब आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 122, कौन सा भैया? 122, किस महान भारतीय शिक्षा शास्त्री का संबंध इलाहाबाद एवं काशी दोनों स्थानों से रहा है? ए स्वामी दयानंद का, बी स्वामी विवेकानंद का,
सी महामना मादन मोहन मालवीय का, डी आपका रविन्द्रनाथ ठाकुर का, तो 122 का बताएंगे सी हो जाएगा महामना मदन मोहन मालवीय का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 123, भाषा शिक्षण के कितने कौशल माने गए हैं, ए 5, बी 4, सी 3, डी आपके 6, तो 123 का बेहतरीन जवाब बी हो जाएगा, 4 माने गए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 124, अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुखा स्फुट वक्ता च यो जानाति स पंडितः, इस प्रहेल का उपयुक्त उत्तर होगा ए नारियल, बी पत्रम, सी यात्रे, डी विद्वान, तो बताएंगे 124 का बेहतरीन जवाब बी हो जाएगा। इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इस सेशन का आखिरी 125, कौन सा स्त्रीवाचक पद नित्य पुल्लिंग एवं बहुवचन है, ए आप, बी वर्षा, सी दारा, डी आपका प्राणा, तो बताएंगे कौन सा हो जाएगा, तो 125 का आपका सी हो जाएगा, कौन सा भैया, सी हो जाएगा तारा। ये सेशन का आखिरी क्वेश्चन था, वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, और कुछ आवश्यकता हो आपको कि नहीं मैडम जी ये कराया जाए तो हम और बेहतरीन कर सकते हैं, तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और पढ़ते रहिए, एक सीट अपनी पक्की करिए, क्योंकि अगर 2 महीना आप ज़बरदस्त तैयारी कर लेते हैं, समझ रहे हैं ना, तो आपका बढ़िया इंटर कॉलेज में सिलेक्शन होगा और बेहतरीन, फिर आप खूब सोइए जाएंगे, लेकिन इस समय आप ना सोइए, क्योंकि आपका सितंबर लास्ट अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आपका पेपर होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।